पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा 30 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के लिए 30 अप्रैल से 10 मई तक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी को जाएगी, जो कि गोरखपुर से चलकर श्रद्धालुओं को लेते हुए बस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर होते हुए श्रद्धालुओं को लेकर जाएगी, जिसका पूरा पैकेज 21,010 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके लिए हर महीने 1,029 रुपये ईएमआई भी व्यवस्था है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे से दूसरी ट्रेन आईआरसीटीसी के सौजन्य से चला रहे हैं। पहली ट्रेन हम लोगों ने गुरु कृपा एक्सप्रेस चलाई, जिसमें सिखों के जो प्रमुख तीर्थस्थल हैं वहाँ के दर्शन कराए, और ये अगली यात्रा दक्षिण भारत के लिए चलेगी गोरखपुर से। तो इसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और जैसा कि कोचेस में, जैसा पहले भी बताया गया आप लोगों को कि जो कोचेस इसमें लगाए गए हैं LHB कोचेस हैं, अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं। कोचेस में जो वॉशरूम होता है जनरली उसमें शावर की फैसिलिटी नहीं होती है, इसमें वो एडिशनल फैसिलिटीज लगाई गई हैं। जो कोचेस हैं उसमें CCTV कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि जो आप लोगों को जानकारी, जो यात्री उसमें ट्रेवल करेंगे उनको हम कोई इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों का ध्यान इस यात्रा में रखा गया है। साथ ही साथ पूजा रूम भी एक बनाया गया है एक स्लीपर कोच में, कुछ स्पेस क्रिएट करके, जिससे कि जो लोग पूजा डेली करने वाले लोग हैं ऐसे वो ट्रेन में पूजा कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी यात्रा होगी और इस तरह की आगे और कई यात्राएं होंगी, इसीलिए हम लोग चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे कि इस तरह की व्यवस्था IRCTC द्वारा, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा, भारतीय रेल द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है। सभी संस्कृतियों को जोड़ने का एक प्रयास है, भारत को जोड़ने का एक प्रयास है। इसका थीम भी रखा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और देखो अपना देश, यानी कि अपना देश देखो, और इससे अच्छे तरीके से कि आपको EMI की भी सुविधा दी गई है। और ये भारत गौरव ट्रेन केवल ऐसा नहीं है कि IRCTC ही चला सकता है, इसके लिए पहले भी हम लोग आप लोगों के पास आए थे, मीडिया में लेकर आए थे इस बात को कि जो कोई इंडिविजुअल या कंपनी या ट्रैवल प्लान करने वाली जो कंपनीज है, कोई भी ये ट्रेन लेकर चला सकता है हमारे द्वारा। अभी पूर्वोत्तर रेलवे को एक रेक इसके लिए तैयार मिली हुई है, और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आगे और भी यात्राएं होंगी जहां यहां के लोग यहां जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सर, जो पैकेज तैयार किया गया है वो केवल एक व्यक्ति के लिए है कि वो फैमिली के लिए? नहीं, पर पर्सन ये पैकेज है, आप लोग एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं। पर पर्सन एक कॉस्ट आएगी 21,000 अगर स्लीपर और इकोनॉमी श्रेणी में जा रहे हैं, थर्ड AC में जा रहे हैं तो लगभग 37,000 है, और 47,000 है सेकेंड AC में। बच्चों का अलग से है और उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को दी गई। इस क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दक्षिण भारत घूमने का एक मौका दिया गया है इस ट्रेन के माध्यम से, जो 30 तारीख को गोरखपुर से शुरू की जा रही है। इसमें जो चढ़ने उतरने की सुविधा उत्तर प्रदेश में दी गई है वो गोरखपुर है, इसके बाद यहाँ से आगे बस्ती है, मनकापुर है, अयोध्या है, सुल्तानपुर है, उसके आगे प्रतापगढ़ है, फिर प्रयाग घाट है, फिर वापसी में ये ऊंचाहार, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर और झांसी में उतरने चढ़ने की सुविधा प्रदान की जा रही है। यहाँ के बाद ये गाड़ी जब चलेगी तो इसका पहला पड़ाव जो होगा वो मल्लिकार्जुन में होगा। मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अगला पड़ाव रेणीगुंटा में होगा, जहाँ पे लोगों को तिरुमला और तिरुपति के दर्शन करने का मौका मिलेगा। वहाँ के बाद ये गाड़ी रामेश्वरम के लिए जाएगी, जहाँ रामेश्वरम और मदुरई जैसे प्रमुख स्थलों के और मंदिरों के दर्शन होंगे। उसके बाद ये गाड़ी कन्याकुमारी को जाएगी, जहाँ कन्याकुमारी के जो प्रमुख तीर्थ, जो स्थल हैं, भ्रमण रमणीक स्थल हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके दर्शन होंगे, और फिर ये गाड़ी वापस होगी। ये कुल यात्रा 10 रात्रि और 11 दिनों की है। इस यात्रा में स्लीपर श्रेणी, थर्ड AC और सेकेंड AC तीनों तरह की श्रेणियों का जो है सुविधा प्रदान किया गया है, और इसमें बेसिकली यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए
पूरे गाड़ी को कस्टमाइज किया गया है ताकि लंबी दूरी की यात्राओं में लोग सहज हो सके। इसमें जैसे कि प्रत्येक कोच में जो टॉयलेट्स की फैसिलिटी होती है उसमें 4 टॉयलेट में 3 टॉयलेट वेस्टर्न फैसिलिटी के बनाए गए हैं, शावर फैसिलिटी के साथ टॉयलेट ऐड किया गया है ताकि नहाने की सुविधा हो। जब ऑफ फूड होगा, जब गाड़ी से उतरेंगे लोग और रात्रि विश्राम करेंगे तो वहाँ पे होटलों की सुविधा दी गई है, बसों के माध्यम से तीर्थस्थल के भ्रमण की सुविधा दी गई है, तीनों टाइम के खाने पीने की सुविधा है। इसके लिए केवल एक शुल्क की अदायगी जो स्लीपर क्लास में 21,000 है, थर्ड एसी में 35,000 है और सेकेंड एसी में 47,000 प्रति व्यक्ति आता है। इसको और सुगम बनाने के लिए ईएमआई की सुविधा प्रदान की गई है जिसमें 14 निजी और सरकारी बैंकों के साथ टाइप किया गया है और उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा के माध्यम से आप ईएमआई की सुविधा ले सकते हैं। और जो न्यूनतम राशि की बात अगर हम करें तो 2 साल के लिए 1,000 रुपये की तकरीबन राशि लगती है जिससे कि आप इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है कि छोटे उद्यमी, व्यापारी, किसान और वैसे जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो इस यात्रा का लाभ ले सके, अपने पूरे परिवार के साथ ले सके और समाज के कई सारे लोग जो एक साथ जाना चाहते हैं उनके साथ ले सकें।